नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में मुलाकात की है अपने करीबी दिग्गज नेता आजम खान से। जानकारी दे दें कि आजम खान जो बीते लंबे वक्त से सीतापुर जेल में कैद है, आजम खान के खिलाफ 80 से अधिक मामले दर्ज होते हुए नजर आए थे एक वक्त, और उस दौरान देखा गया कि वह लंबे वक्त तक जेल में कैद रहे। लेकिन 2022 में देखा गया कि आजम खान को जेल से रिहा किया गया। लेकिन इसके बाद बीते पिछले साल आजम खान फिर से जेल चले गए। वजह रही यहां पर दो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। जी हां, दो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान के जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम खान फंसते हुए नजर आए, और अब्दुल्ला आजम खान भी इन दिनों जेल में कैद हैं, तो वहीं आजम खान की पत्नी भी। देखा गया है कि लोकसभा चुनाव जिस तरह से नजदीक है, ऐसे में लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अखिलेश यादव अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। तो वहीं सीतापुर जेल वह पहुंचे आजम खान से मुलाकात करने के लिए। तकरीबन एक घंटा उन्हें मिला था इस मुलाकात के लिए, और इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने अब राज्य की योगी सरकार पर और केंद्र की मोदी सरकार पर खुलकर अपनी बात रखी। सुनिए जरा क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। हाँ। और अभिषेक, जेल तो जेल ही होती है जी। और अकेलेपन में कोई रहे और जेल की अपनी परेशानियां होती हैं, तो वो तो फेस करनी पड़ती हैं। देखते रहना। और हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब, अरे बोलो मत यार, उनके साथ अन्याय लगातार हो रहा है। बोलो ना भैया, ये भी इनह्यूमन एक्टिविटी है सरकार की। एक वो परिवार एक साथ नहीं है, जब परिवार को सजा मिली है, और कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा जब परिवार के लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा हो। कम से कम सरकार को ये दृष्टिकोण तो रखना चाहिए कि परिवार एक साथ रहे। जब इतनी तकलीफ और परेशानी में है, क्या सरकार यही तकलीफ परेशानी देना चाहती है, और वो भी झूठे मुकदमे लगना। सरकार ये कहती है कि दुनिया में उनकी पार्टी सबसे बड़ी है, लेकिन जो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड से ऊपर चले गए हैं। ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रहे झूठे मुकदमों का, लगातार वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ब्रह्मांड का रिकॉर्ड बना रहे हैं झूठे मुकदमों का। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, रामपुर टिकट को कहीं पर देख लीजिए आप, हर जगह मुकदमे। अब आने वाले समय में यही देखना होगा कि आखिरकार आजम खान को राहत मिल पाएगी या फिर नहीं। इस तरह से अखिलेश यादव अपने दर्द को परिवार के लिए बयां करते हुए नजर आए हैं। मालूम हो कि रामपुर में वर्चस्व देखने को मिला है एक वक्त आजम खान का, लेकिन अब यही देखना होगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आजम खान के बदले रामपुर से अखिलेश यादव किससे आगे करेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।